तो देखो गाइस, ये वीडियो जो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला था, मैंने बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँ, लेकिन पानी जो है वो अब मेरे सर के ऊपर से जाने लगा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ऑडियंस को और पूरी फैम ब्रो आर्मी को ये चीज़ बताई जाए, जो कि आप लोग कतई गलत कर रहे हो। आप लोग अभी का अभी इस चीज़ को रोक दो। वो क्या चीज़ें चल रही हैं अभी आसपास में हमारे, उस सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और आप लोग जो ये कर रहे हो भाई, बिल्कुल गलत कर रहे हो। दानिश भाई ने हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखाया था कि आप ऐसा करोगे, या भाई कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो आप लोग कर रहे हो। और मैं ये चीज देख रहा हूं पिछले 10 से 15 दिनों से। तो प्लीज अगर आप लोग ये चीज करते होगे तो आज का आज ही ये चीज बंद कर देना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से दिसंबर घुसा है, दिसंबर का महीना घुसा है, तब से लोग जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से पगला गए। लोगों के अंदर पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैं जब भी टिकटॉक खोलता हूं तो मुझे बस एक ही वीडियोस दिख रही है, एक टाइप की वीडियो दिख रही है कि 20 दिसंबर को तो पूरी दुनिया रोई थी, तो ये तो वो, अजीब अजीब तरीके की टिकटॉक वीडियो आपको यहां पर दिखती होगी। तो यार आज तो मैंने कुछ ऐसी वीडियो देख लिया कि लोग इतना ज्यादा गिर गए हैं लाइक के लिए टिकटॉक के ऊपर कि भाई यार उसने दानिश जैन की जो डेथ वाली फोटो थी, कार एक्सीडेंट वाली, वो भी यार उसने आसमान पे लगा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यार टिकटॉक ने भी उस वीडियो को अभी डिलीट कर दिया, वो सुबह से वायरल हो रही थी टिकटॉक के ऊपर। तो दोस्तों ये चीज टिकटॉक पे लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, 14 से 17 साल के बच्चे, जिसको पता ही नहीं है कि भाई ये चीज गलत है। सिर्फ वो लाइक के चक्कर में ये सब काम करे जा रहे हैं और फेम के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फैम ब्रो मेंबर कि मैं आप लोगों तक ये बात को पहुंचाऊं कि ये चीज यार बिल्कुल ही गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोग इसको अभी का भी रोक दो, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मुझे पता है कि 20 दिसंबर आने वाला है, जिस दिन दानिश जहान इस दुनिया को छोड़ के, हम सभी लोगों को छोड़ के चले गए थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई उसकी याद में आप ये सब काम करो, बिल्कुल भी मत करो। और मैं ये चीज भी देखो यार, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, प्लस मेंशन कर रहे हैं कि भाई मेरे को चंदा दो, मैं जो है वो 20 दिसंबर को जो वो लोगों को खाना खिलाऊंगा, गरीब की हेल्प करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मेरे भाई मेरी एक बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना और सुनना जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं। अगर आपको दानिश जहान के नाम से अगर उसके सवाब के लिए आपको अगर किसी गरीब की हेल्प करना है, तो आपके जेब में 1 रुपया हो या 10 रुपया हो या 10,000, आप वो खुद से करो, किसी से चंदा लेकर के मत करो, किसी से कर्ज लेके मत करो कि भाई मुझे दानिश भाई की याद में जो वो किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब को हेल्प करना है। तो भाई ये चीज भी बंद करो। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, प्लस मेंशन भी मुझे कर रहे लोग, और मुझे भी बोल रहे हैं कि भाई आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करो कुछ। वाह भाई वाह, ये तो हद हो गया भाई। मैं थोड़ी दिखा के करूंगा भाई, मैं तो अपना ही कर दूंगा भाई, नेकी करके दरिया में डाल दूंगा, थोड़ी ना आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ये हेल्प कर रहा हूं दानिश भाई की याद में, ये और वो सब नहीं होता भाई इधर, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा रुका इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मैं मतलब बोलना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन यार आज जो मैं एक वीडियो देखा हूँ और मुझे मेंशन जो लोग कर रहे हैं रोज का रोज, तो मेरा जो है वो कतई अंदर से दिल जो है वो जल गया। तो मैंने सोचा आप लोगों तक इस बात को पहुँचाई जाए। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है मेरी भाई, अगर आप एक फैम ब्रो मेंबर हो, अगर आप दानिश भाई को प्यार करते हो यार, अगर आपके दिल में ज़रा सा भी इज्जत है, तो उसके लिए दुआ करो। और कुछ नहीं चाहिए उसको अब आप लोगों की लाइक की, ना ही किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है भाई उस बंदे को। वो बंदे को जहाँ जाने का था वो चला गया, वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया। बस आप लोग यार उसके लिए बस सिर्फ दुआ करो और कुछ भी मत करो मेरे भाई। ना ही यार कर्ज लो, ना ही यार जो है वो डोनेशंस के लिए बोलो, ये वो। मैं देख रहा हूँ यार हद कर दी हो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत दिन से रुका हुआ था, पिछले 10 से 15 दिन से मैं चीज देख रहा हूँ कंटिन्यूसली टिकटॉक पे। यार टिकटॉक वाले भाई लाइक लेना ना भाई, खुद के दम पे लो ना यार। क्यों किसी के नाम का यूज़ कर रहे हो, क्यों किसी के फोटोज़ को यूज़ कर रहे हो जो भाई इस दुनिया में है ही नहीं यार। फोटोज़ को, वो भी यार जो कि फ़ोटोज़ एट द जो डेथ वाले मोमेंट पे फ़ोटो थी, वो सब फ़ोटोज़ को आसमान में लगा करके यार तुम लोग प्यार दिखा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। प्लीज़ ये चीज़ यार बंद कर दो, प्लीज़ यार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं अंदर से लिटरली मेरा बहुत ही ज़्यादा जला हुआ है मैं उस वीडियो को देखने के बाद। तो प्लीज़ यार ये सारा चीज़ को बंद करो। प्लीज़ आप लोग सिर्फ उसके लिए दुआ करो, मगफिरत की दुआ करो यार। किसी भी टाइम याद आता है बस दुआ कर दो हाथ उठाकर, और कुछ नहीं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों ने आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो टिकटॉक पे, वो मेरे को कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो कर देना, जो भी इस तरीके का काम कर रहा है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना। तो यार मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।